बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल टेक्स बैंक में। क्या हाल चला सब दोस्तों का? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक खैरियत से रखें। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग 9th, 10th और 12th में थे उनके लिए आज की ये ज़बरदस्त न्यूज़ है। इसमें मैं आपको आज बताऊंगा प्रमोशन की पॉलिसीज़ के हवाले से, किन किन लोगों के पेपर होने थे और क्या क्या पॉलिसीज़ बनी हैं, इस हवाले से हम आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रमोशन के हवाले से। शफकत महमूद साहब ने अपनी पुरानी वीडियो में ये बताया था कि 9th, 10th, 11th, 12th के तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। किन स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया गया इसके बारे में मैं डिटेल से बात कर दूँ। जी हाँ, मैं बताता चलूँ, एम कैट ई कैट के हवाले से जो लोग इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल में एडमिशन लेना चाह रहे थे उन तब तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया गया। ये पॉलिसीज़ उनके लिए थी, दोबारा इम्तहान लेने वाली ये पॉलिसी उनके लिए थी। बाकी तमाम स्टूडेंट्स को दोस्तों प्रमोट कर दिया गया। जो लोग नाइन्थ में थे उनको 10th में प्रमोट किया गया, और जो लोग 10th में थे उनको प्रमोट करके फ़र्स्ट ईयर में कर दिया गया, और जो लोग फर्स्ट ईयर में थे उनको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। हाँ, मैं दोस्तों बताता चलूँ, जो लोग 10th के जिन लोगों ने पेपर दिए थे उनको 9 के नंबर्स की बेस पे प्रमोट किया गया, और जिन लोगों ने सेकंड ईयर के पेपर देने थे फर्स्ट ईयर की बेस पे उनको प्रमोट किया गया। और हाँ, जो लोग 9th से 10th में गए हैं उनका जो 10th के मार्क्स होंगे दोस्तों उनको उसमें कवर किया जाएगा, जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से उनको मार्क्स 9th के भी दिए जाएंगे और वो लोग प्रमोट कर दिए गए हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो लोग इम्प्रूवमेंट के लिए थे, मतलब इम्प्रूव करना था जिन लोगों ने, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं दोस्तों इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। उनके इम्तहान कब होंगे अभी तक कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। इंशाल्लाह 15 सितंबर के बाद कोई भी ऐसी न्यूज़ अगर होगी मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँगा। आपने यहाँ से देख लेनी हमारी वीडियो में जेन्युइन न्यूज़ जो भी होगी, ऑफिशियल न्यूज़ शफकत महमूद साहब ने जो की होगी बात, हम यहाँ पर अपनी वीडियो में वही आप सबको बताएँगे। तो दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक लाजमी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।